दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह और सीमा मीणा के पति सचिन मीणा ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीमा मीणा के बच्चों को लेकर एक साजिश रची जा रही है, जिसका उद्देश्य बच्चों की मानव तस्करी करना है। डॉक्टर सिंह के अनुसार ये साजिश बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट के जरिए की जा रही है, जो पाकिस्तान से संचालित होता है। इस ट्रस्ट ने भारत के कुछ तथाकथित लोगों को स्पेशल अटोर्नी लेटर देकर विभिन्न अदालतों में केस डालने के लिए शामिल किया है, ताकि सीमा मीणा का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया जा सके और उसके बच्चों को मानव तस्करी के माध्यम से विदेशों में बेचा जा सके। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता सारिम बर्नी को हाल ही में फेडरल जांच एजेंसी की मानव तस्करी विरोधी टीम ने कराची हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 25 से भी अधिक बच्चों की तस्करी करके अमेरिका भेजा और उन्हें अवैध रूप से बेचा। FIA ने बर्नी और उसके साथियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। इस खुलासे में यह भी सामने आया कि बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने पहले भी भारत से सरबजीत की बहन से 25 करोड़ रुपए की अवैध मांग की थी। सरबजीत की बहन ने भारत वापस आने के बाद मीडिया के सामने इसका खुलासा किया था। डॉक्टर एपी सिंह ने यह भी बताया कि सीमा मीणा के बच्चों को लेकर गुलाम हैदर से संपर्क कर कानूनी कार्रवाई शुरू करवाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसमें भारत के कुछ लोग भी शामिल है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत में बेटियों की पूजा की जाती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। ऐसे में इन साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यह मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है। हमने ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता इसलिए रखी है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ तथाकथित ट्रस्ट भारत के यहाँ से बच्चों को लेकर बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आधार पर मानव तस्करी का जो प्लान और साजिश बना रहे हैं, उसी के तहत भारत में सीमा सचिन मीणा, जैसा कि अभी जानते हैं कि भारत में सीमा सचिन मीणा अपने बच्चों को लेकर रह रही है और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जानबूझकर शुरू की गई, जिसमें उसके चारों बच्चों, खासकर उसमें 3 बेटियां शामिल हैं, उनको मानव तस्करी के लिए विदेशों में बेचा जा सके। और इसीलिए भारत में बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट, जो कि पाकिस्तान से संचालित होता है और भारत के कुछ तथाकथित लोग भी इसमें शामिल हैं, और इस कार्रवाई में इन्होंने स्पेशल इस तरह के ट्रस्ट, बर्नी ट्रस्ट, इस तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान से जारी करता है भारत में मुकदमा डालने के लिए। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है, इसमें बाकायदा पूरी डिटेल दी गई है चारों बच्चों को लेने के लिए। तो चारों बच्चों को लेने के लिए बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने जारी की है, जिसकी कॉपी हम आपको भी जारी करेंगे, डालकर सीमा सचिन मीणा को शारीरिक और इसी आधार पर केस डाले गए, जिसके आधार पर सीमा सचिन मीणा को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी इस तरह से किया गया, जिससे वो मानव तस्करी के लिए बच्चों को अंततः छोड़ना पड़ेगा। और इसी के लिए ये कार्रवाई FIA के मुताबिक जो चली कार्रवाई है, ये बड़े स्तर पर चली। इसी तरह से मानव तस्करी कर रहे पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता सरीम बर्नी को अमेरिका सरकार की शिकायत के आधार पर मानव तस्करी के आरोप में संघीय जांच एजेंसी FIA की मानव तस्करी विरोधी टीम ने बर्नी को अमेरिका से कराची हवाई अड्डे पर परसों लैंड करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बर्नी पर आरोप है कि उसने 25 से अधिक बच्चों की तस्करी करके अमरीके भेजे, जिनमें खासकर लड़कियां ज्यादा हैं, उनको भारी मात्रा में पैसे लेकर बेचा गया और अवैध रूप से बच्चों को बेचा गया। गिरफ्तारी के कुछ समय पहले से ही FIA बर्नी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी और बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल इसको चला रहे हैं। FIR नंबर 126/24 बर्नी और उसके अन्य साथियों के खिलाफ धारा 420, 468, 471, 109 पाकिस्तान पैनल कोड और धारा 345 मानव तस्करी विरोधी एक्ट 2018 के अंतर्गत दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। और इस षडयंत्र में वसत अली खान, हुमैरा नाज तथा अन्य भी शामिल है और कुछ भारत के लोग भी इसमें शामिल हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की फैमिली को जिला ईस्ट कराची में भी झूठे कागजात तथा सबूत देकर इसी तरह 3 अन्य लड़कियों को भी नकली कागजों के आधार पर लिया था।
जिस तरह से भारत में ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं अदालतों के माध्यम से, गुमराह करके अदालतों को। FIA के मुताबिक US कंसुलेट जनरल ने लगभग 1.5 साल से इस पर जांच शुरू की थी, जिसमें 18 बच्चों को अवैध रूप से गोद लेकर बेचा गया, जबकि FIA ने उन बच्चों को तलाश भी कर लिया है। इसी संस्था ने जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत गुलाम हैदर से संपर्क करके उसके बच्चों की सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करने की भारी मात्रा में भारत के कुछ तथाकथित लोगों को इस षड्यंत्र में शामिल किया गया, और इसके लिए भारी मात्रा में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, भारत में फंडिंग की गई ऐसे लोगों की। और इसी तरह से पाकिस्तान में उस समय बंद एक और घटना बता रहा हूँ, इसी इंटरनेशनल ट्रस्ट बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट ने किस तरह से भारत के लोगों के साथ अनजस्टिस, अन्याय और ब्लैकमेलिंग का रवैया अपनाया। इसी तरह से पाकिस्तान में उस समय बंद सरबजीत को छुड़ाने के लिए उसकी बहन ने इसी बर्नी ट्रस्ट से 25 करोड़ और 2 करोड़ की मांग अवैध रूप से की थी। इस बात का खुलासा सरबजीत की बहन ने पाकिस्तान से भारत वापस आने के बाद मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर किया था। नटचंद क्लियर हो चुका है, क्लियर केस हो चुका है। अब पाकिस्तान, सीमा, सचिन मीना और मुझे भी, क्योंकि इस प्रोसीडिंग में वकील के नाते हूँ, लगातार धमकियां होंगी और जान माल का खतरा भी पैदा होगा, और ऐसी गतिविधियां भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये जम्मू में अभी शपथ लेते समय बस को उड़ा सकते हैं, कठुआ में कर सकते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसी भी घटनाओं की आशंका अब मैं व्यक्त कर रहा हूँ। लगातार इतने दिनों से जो धमकियां चल रही थी, धमकियां थी फोन पर, फोन के द्वारा, अननोन नंबर के द्वारा, इंटरनेशनल कॉल के द्वारा, लेकिन अब इस कदम के बाद बहुत ज्यादा सर दम से जुदा कर देंगे, कत्ल कर देंगे, परिवार को खत्म कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इस तरह की लगातार धमकियां चले, लेकिन अब इसके बाद वो एक्सपोज हो चुके।